फिर स्वागत है आपका नियुक्त में। और इस वक्त डिग्री कॉलेज में हम लगातार बने हुए हैं। महामंत्री पद का जो चुनाव है वो काफ़ी यहाँ पे उसकी जो मजबूती है वो दिखती है, क्योंकि यहाँ छात्रों के पास मुद्दे हैं और उनको उठाने वाले यहाँ छात्र नेता हैं। हमारे साथ उम्मीदवार हैं महामंत्री के सलभ गुंजन सिंह। नमस्कार सलभ जी, मुद्दे क्या हैं यहाँ के और सलभ कैसे वादों को लेकर छात्रों के बीच जाते हैं, किस तरीके के? देखिए, मुद्दे कई प्रकार के हैं। मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि कैंटीन व्यवस्था है हमारे कॉलेज में, महाविद्यालय में ओपन नहीं होती, किताबें हैं लेकिन मिलती नहीं सही तरीके से, 1951 की किताबें छपी हुई पड़ी हैं और लाइब्रेरी में बैठने की व्यवस्था नहीं है। मतलब कई प्रकार के मुद्दे हैं और समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे आई कार्ड नहीं चेक होता अर्जतक, तो जैसे आपने अभी पिछले प्रत्याशी से पूछा कि ऐसा क्या है कि अर्जतक फैलाई जाती है, तो ये वर्ड ऐसा आता है कि यहाँ पे महाविद्यालय में अगर सही तरीके से जोड़ा जाए तो शायद कहीं ना कहीं 85 लाख रुपये पैसा आता है। और क्या अब इतने गैर गुजरे नहीं है महाविद्यालय के यहाँ के मैनेजमेंट के लोग कि 5,000 देकर किसी कर्मचारी को बैठाया जा सके? यहाँ पे बैठाया जा सकता है किसी कर्मचारी को ताकि हमारी बहनें, हमारी बड़ी बहनें सब सुरक्षित रहें। मतलब मुद्दे यही सब है मेरे पास और जिनको लेकर मैं वहाँ पे। ये भौगाल शब्द महामंत्री पद के लिए भी यूज होता है, अभी चुनाव होगा, नामांकन होगा, गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, ये तमाम चीज़ें हैं, इससे सलभ गुंजन सिंह कैसे इसको देखते हैं? क्या सादगी वाला चुनाव पसंद करेंगे कि भौगाल मेंटेन रहेगा? देखिए, भौगाल की बात जहाँ तक है तो एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ जी, तो भौकाल ही के संबंध जितने बनाए हैं वही भौकाल है। महामंत्री यहाँ महाविद्यालय में भौकाल जरूरत पड़ती है, महाविद्यालय से लेकर कैंपस तक की भी जरूरत पड़ती है, मेंटेन रहेगा वो, मेंटेन रहेगा। चलिए, और मुद्दे भी मेंटेन रहेंगे, भौकाल भी मेंटेन रहेगा। मुद्दा ये रहेगा कि मुद्दा क्या रहेगा आपको जो मैंने बताया अभी, कैंटीन मुद्दा वही है। सुरक्षा के लिए कोई विकल्प है क्या? CCTV, महिला आयोग और कुछ है क्या? महिला से CCTV तो लगा ही हुआ है हमारे, कुछ है क्या? अगर बनते हैं महामंत्री कुछ नई चीज लेके आएंगे क्या छात्राओं की सुरक्षा के लिए? छात्रों की सुरक्षा के लिए 2-3 चीजें हैं जो यहाँ पे गार्ड लगे। सबसे पहले आई कार्ड चेक हो, क्योंकि प्रत्याशियों के साथ ही बाहर के छात्र आते हैं। आज ही आए, बम चलते हैं यहाँ, पिछले वर्ष के चुनाव के तहत देखते हुए तो चले थे, लेकिन इस वर्ष उम्मीद है कि ना चले अंदर तक, उसके लिए इस वर्ष उम्मीद है कि ना चले, नहीं उम्मीद है, अगर चल गया तो उसके लिए कुछ है कि आप महामंत्री बन जाएंगे तो बम कैसे रोकेंगे? और सबसे बड़ी चीज जो पुलिस प्रशासन हमारे कॉलेज कैंपस के अंदर आती, कोई यहाँ गुंडा और माफिया नहीं पड़ता, कोई यहाँ गुंडा और माफिया नहीं पड़ता, सब छात्र हैं, सबके पास डिस्ट्रिक्ट आई कार्ड टंगा हुआ है और सब एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, कोई यहाँ गुंडा और माफिया बनने के लिए नहीं आता जो पुलिस प्रशासन छात्र बनने के लिए। छात्रों के लिए क्या संदेश देंगे? चुनाव नजदीक है और छात्रों के लिए संदेश देंगे कि आप लोग वोट देने जरूर आइए, क्योंकि आपका एक वोट अगर आप नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या होती है। चुनाव की अग्रिम शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ सलभ गुंजन सिंह, इनका कहना है कि अराजकता को रोका जाएगा, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, किताबों को उपलब्ध कराया जाएगा और तमाम मुद्दे इनके हैं। कितने सफल हो पाएंगे आने वाले चुनाव में पता लगेगा। न्यूज़ के साथ बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।